उन्होंने हमारी एप्लीकेशंस नहीं देखी, उन्होंने इलेक्शन का मैंडेट जो है ना वो उसको सबोताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मियां नवाज शरीफ साहब के तो अब प्लेटलेट्स गिनने वाले हैं, वो तो अभी आजकल में ही जनाब फ्लाइट वापस की पकड़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाहिद जमील नारवे कैपिटल ओसलो से। दोस्तों आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था, एक रोना था, एक मदावा था, जिसमें JUI के फजल रहमान साहब जो है ना वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए रोना रो रहे थे जी, कि इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो किरदार बड़ा यकतरफा किरदार है, उन्होंने हमारी एप्लीकेशंस नहीं देखी, उन्होंने इलेक्शन का मैंडेट जो है ना वो उसको सबोताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अवाम के मैंडेट को कुचला, अवाम के मैंडेट का गला घूंटा। तो मोहतरम, ये आपको अब याद आया, जब आपकी गर्दन पर घुटना आया तो अब आपको याद आया? पहले जब हर दौर में इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं, हर तरह की इस तरह की जो प्रॉब्लम, स्पेशली इस दफ़ा जो इमरान खान ने जो एक कलम बुलंद किया कि जी आवाम का मैंडेट जो है ना कुचला गया, तब तक आपको याद नहीं था। अब चूंकि हुकूमत साजी की शक्ल थोड़ी सी निकल आई है, हुकूमत थोड़ी सी जो है ना वो डेवलप होने लगी है कि उसकी किस तरह की शक्ल होगी, तो अब आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो अब आप रोना शुरू कर दिया आपने। और आपने कहा है जी कि मैं अपोजिशन का अपोजिशन के बेंच पर बैठूंगा मैं, और साथ में आपने इन्वाइट भी किया है कि जी मियां नवाज शरीफ जी मेरे साथ अपोजिशन पर बैठें, अपोजिशन के बेंचों पर बैठें। मियां नवाज शरीफ साहब के तो अब प्लेटलेट्स गिनने वाले हैं, वो तो अभी आजकल में ही जनाब फ्लाइट वापस की पकड़ने लगे हैं। तो वो आपने पहले सुना तो था कि वो कहते थे जी कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहते हैं जी मुझे क्यों बुलाया। तो अब उनका हाल तो ये है, वो तो कहीं पर नज़र नहीं आएंगे अब आपको। तो आप खाम खा जो है ना वो अपना जो है ना वो जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके कंधे पे आपने जो है ना वो रोना है, जिसके कंधे पे लग के जो है ना आपने अपने आंसू बहाने हैं। बहरहाल जी, अब आप देखें आगे आगे क्या होता है। ये एक बड़ी एक भरपूर किस्म की साजिश थी जो 9 फरवरी को तैयार की गई, जिसमें जो है ना वो सारे रिजल्ट जो है ना मैनिपुलेट किए गए, अपनी मर्जी से जो है ना वो उन्होंने रिजल्ट जो है ना वो तैयार किए। अब आप 22 को भी एक एहतजाज कर रहे हैं, 25 को भी कर रहे हैं, 27 को भी कर रहे हैं, 3 को भी कर रहे हैं, 5 को भी कर रहे हैं, और आपको अब आप ये एहतजाजों की सियासत पर आ जाएंगे। प्लस ये है कि आपके कानों में ये भी बात है कि इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया था कि PPPM और नून लीग के साथ तो हम किसी तरीके से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो शायद आपको आप खुशफहमी में शिकार हैं कि शायद मेरे साथ भी कोई बातचीत चल जाए, तो आप रस तसली रखिए, ये आपके लिए नहीं कहा गया। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको पता है कि किसी साफ़ी ने आज आपसे कहा भी था कि आपकी शायद उनसे बात हो जाए PTI के साथ, तो आपने कहा जी कि ये हमारी लड़ाई तो जी जहनों की लड़ाई है, जिस्मों की तो लड़ाई नहीं है। तो आपने मोहतरम जितना गंद आपने उछाला हुआ है, जितनी मिट्टी आपने प्लीत की हुई है, जितना मजहब कार्ड, जितना यहूदी कार्ड, जितना यहूद नसारा का जो कार्ड आपने खेला हुआ है, शायद ही किसी दुनिया में खेला हुआ, तो अब आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है जी कि मुझे तो इसमें से कुछ मिला नहीं है, तो लिहाजा चलो मैं जी रौला ही पाला मिच। लेकिन चलें अब आप रौला डालें, देखते हैं जी कि क्या होता है। मैं बेस्ट विशेस कहूँगा जी आपको फ्यूचर के लिए, और मैं देखूँगा कि आपको कहाँ तक जो है ना वो ये संभाला मिलता है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।